और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे TVS अपाचे RTR 160 को बजाज पल्सर NS 160 से। और इनको कंपेयर करने से पहले, इनका पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन करने से पहले, मैं आपको इनकी प्राइस बताना चाहूँगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप RTR 160 का टॉप मॉडल लेते हो, डुअल डिस्क वाला, तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,06,000 रुपये एक्स शोरूम। और अगर आप सिंगल डिस्क वाला लेते हो तो आपको 1,02,000 के समथिंग पड़ेगा। और पल्सर NS 160 आपको एक ही मॉडल में मिलती है, तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,11,000 एक्स शोरूम। ये इन दोनों ही बाइक्स का एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस अपने नियर बाय शोरूम से आप पता कर सकते हो। दोस्तों, लुक्स की बात करें तो दोनों ही बाइक आपको नेकेड सेगमेंट में अवेलेबल होती है, कम्यूटर सेगमेंट में बाइक आपको अवेलेबल होती है। लेकिन अगर बात करें ज़्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर लुक की, तो NS 160 में आपको काफ़ी बढ़िया स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देखने को मिलेगा। हालांकि अपाचे RTR 160 का लुक भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन इन कंपेयर टू RTR 160 आपको NS 160 में काफ़ी स्पोर्टी लुक देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो जो प्लास्टिक मटेरियल अपाचे RTR 160 में यूज़ हुआ है, वो NS 160 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेस्ट इन सेगमेंट है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा कि RTR 160 काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो अपाचे RTR 160 में आपको सामने कॉर्नर्स पर LED DRLs मिलते हैं, और सेंटर में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, जिसकी नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपको अच्छी तरीके से रोड के पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। वहीं पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी, और इंडिकेटर्स इसमें आपको डिसेंट बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। बात करें बजाज पल्सर NS 160 के फ्रंट डिज़ाइन की, तो इसमें सामने आपको सेंटर में हेलोजन हेडलैम्प मिलता है। इसमें भी आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, LED का आपको कोई भी सेटअप नहीं मिलता है, और इसके नीचे आपको पायलट लैंप्स मिलते हैं। वहीं इसके पीछे आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, और बल्ब इंडिकेटर्स इस बाइक में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, राइडिंग पोस्चर की बात करें, दोनों ही बाइक्स में आपको स्ट्रेट हैंडल बार देखने को मिलता है, तो आपको जो राइडिंग पोस्चर रहेगा वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो आपको हैंड पेन या शोल्डर पेन जैसी कोई भी परेशानी दोनों में से किसी भी बाइक में नहीं आने वाली है। सीट कंफर्ट की बात करें तो NS 160 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, और RTR 160 में आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट देखने को मिलती है। दोस्तों, RTR 160 की सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब इसमें आपको लंबी सीट देखने को मिलती है, तो अगर आप तीन लोग भी बैठाना चाहो तो बैठा सकते हो, और आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल सीट इस बाइक में देखने को मिल जाती है। लेकिन NS 160 में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी हार्ड है, और आप दो ही लोग आराम से बैठा पाओगे, तीन लोग में आप शायद टेल लाइट तोड़ सकते हो। इसलिए सीट के मामले में अपाचे RTR 160 की सीट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों, ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, और सिंगल चैनल ABS आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ अच्छी बात यह है कि दोनों ही बाइक्स में आपको पैटल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जिनका हीट डिस्ट्रीब्यूशन राउंड डिस्क ब्रेक के मुकाबले काफ़ी बढ़िया होता है। इसलिए इन दोनों ही बाइक्स में आपको और भी अच्छी ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ NS 160 में आपको एक अच्छी चीज़ ये मिलती है कि पीछे के रेयर डिस्क में आपको RLP सेंसर मिलेगा, मतलब रेयर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जो एक तरीके का स्पीड सेंसर है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि NS 160 की ब्रेकिंग अपाचे RTR 160 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों, अगर बात करें इंजन की, तो अपाचे RTR 160 में आपको मिलता है 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जिसका मैक्स पावर है 15.53 PS और मैक्स टॉर्क है 13.9 न्यूटन मीटर का। यहीं बात करें NS 160 के इंजन की, तो इसमें आपको मिलता है 160 cc का सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क ऑयल कूल्ड इंजन, जिसका मैक्स पावर है 17.2 BHP और मैक्स टॉर्क है 14.6 न्यूटन मीटर का। तो दोस्तों, ये हो गया इसका इंजन। अगर माइलेज की बात करें तो अपाचे RTR 160 से आप अराउंड 40-45 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो। लेकिन अगर इन कंपेयर टू माइलेज, आप NS 160 से काफ़ी अच्छा माइलेज गेन नहीं कर सकते हो। मतलब मैंने अपने दोस्तों से ये पूछा, उन लोगों के पास भी ये बाइक है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये 30-35 का ही एवरेज देती है, मतलब 30-35 KMPL का माइलेज आपको NS 160 से गेन होगा। तो माइलेज की बात करें तो आपको अपाचे RTR 160 में काफ़ी बढ़िया माइलेज देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, NS 160 में एक और अच्छी चीज़ है जो आपको अपाचे 160 में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, NS 160 में आपको किक देखने को मिल जाती है, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अपाचे RTR 160 में आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको उसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मुझे बजाज की एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने आपको किक का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपका स्विच खराब हो जाता है, अगर आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच खराब हो जाता है, तो आप किक से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ NS में काफ़ी अच्छी ऐड
की गई है। दोस्तों टायर्स और सस्पेंशन की बात करें तो NS160 में आपको सामने मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और 90 सेक्शन 90 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। वहीं पीछे आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है और 120 सेक्शन 80 का टायर आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें अपाचे की तो इसमें आपको सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और वही सेम 90 सेक्शन 90 का टायर मिलता है। पीछे आपको मोनोट्यूब विथ स्प्रिंग एड सस्पेंशन मिलता है और 110 सेक्शन 80 का इसमें आपको 17 इंचेस का टायर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे का टायर NS160 में थोड़ा मोटा देखने को मिलेगा, जिसके कारण उसकी जो रोड ग्रिप है वो अपाचे RTO 160 के मुकाबले काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। तो यही कुछ डिटेल्ड कंपैरिजन था इन दोनों बाइक्स के ऊपर। जो जो मेन पॉइंट्स थे, जो जो मेन हाइलाइट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। हालांकि दोस्तों मैं बात करूँ कि कौन सी बाइक अच्छी है, तो यहाँ दोनों ही बाइक्स किसी न किसी मामले में अच्छी है। अगर दोस्तों अगर आप अपाचे RTO की तरफ जाते हो, तो अगर आपका बजट कम है और आपको एक स्पोर्ट्स बाइक लेने का मन है एक कम प्राइस में, जिसमें आपको अच्छा माइलेज मिले, पावर भी आपको ठीक ठाक मिल जाए और ब्रेकिंग भी आपको अच्छी मिल जाए, तो आप TVS अपाचे RTR की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको अच्छा माइलेज भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये दोनों ही बाइक्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बाइक है, तो इसमें आपको मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम लगेगा। और अगर आप NS160 लेते हो तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाता है, आपको किक का ऑप्शन मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस बाइक से आपको गेन हो जाएगी। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम शो हो रहा होगा, तो जाओ मुझे वहाँ जाके फॉलो करो, और अगर आपको वहाँ कुछ डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़।